हेलो प्यारे बच्चे, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिद्ध कीजिए टेन स्क्वायर ए माइनस इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी बराबर टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। तो हम यहाँ पे एलएचएस ले लेंगे इसकी और इसको लिख लेंगे एक बार टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी। और जैसा आप फॉर्मूला जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन को उधर ले जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बी का प्रयोग कर रख सकते हैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर बी बराबर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर बी। एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगल दोनों सेम होने पर ये फॉर्मूला लगता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर ही रख देंगे, सेक स्क्वायर भी की जगह रख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर भी माइनस सेक स्क्वायर की जगह पे वन प्लस टेन स्क्वायर बी ए। यहाँ हमें टेन टेन में ही लेना है और इंटू टेन स्क्वायर बी अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए इन टू प्लस टेन स्क्वायर ए इन टू टेन स्क्वायर बी। इसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इन टू टेन स्क्वायर बी। तो ये देख रहे हैं ये प्लस और माइनस का है तो ये तो कट गया हमारे पास, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी हमारे बचा जो कि हमारी आर एच एस है। तो इस तरह से हमने एल एच एस लेकर आर एच एस प्राप्त कर ली और इसको सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।